आंसर आ जाए। सो ठीक है, अपडेट करना, अपडेट करना हो करेगा, सब कर लेगा वो। ठीक है स्टार्ट करें, डिजिटल हो रहा है, कुछ ही छूट नहीं गया, पता चले फिर, क्योंकि इसके एरर फिर इसके एरर पढ़ भी ना पाओगे। अरे कॉम डॉट एंटिटी डॉट हैज नो आइडेंटिफायर, हैज नो आइडेंटिफायर एंटिटी मस्ट डिक्लेयर इन इनहेरिट क्लास। अरे बहुत गलती आ गई, तो काहे अभी क्या कर रहे थे जब वहां पे मैं करने ये पहला प्रोग्राम ही डिस्टर्ब करवा देता है। वाले भाई बार भी पढ़े हो तो कम से कम समझ में आ रहा है, भले कर पाओ ना कर पाओ अलग बात है। ये तो नहीं कहोगे क्या हो रहा है। सेकंड लेवल क्या डिसेबल क्या हुआ, अभी नो अभी काम कर रहा था। ठीक कॉल, है, क्रिएट गो ग्लोबल टेम्परेरी, सारी चीज क्रिएट किया, उसके बाद कॉम डॉट ए वाई डॉट एंटिटी। ठीक है, एक टेबल उसने क्रिएट किया है ना, फिर दिक्कत क्या आई, सेट डिफॉल्ट डिस्टर्ब बिन फैक्टरी बिन, दोबारा हमने उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्या। अगर इसको हटा दें तो डॉट गेट भी इसको ओपन करके, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट डिस्क्राइब स्टूडेंट टू, टेबल क्रिएट नहीं हुई मतलब। डीएल डॉट सेट नेम पका करना सेव हो तो रहा, क्या अरे कॉम डॉट ए वाई डॉट नो क्वालिफाइंग डीन ऑफ दिस टाइप डिपेंडेंट अवेलेबल, इसमें हमने कौन सा लगाया है। डेटाबेस के लिए रिपोजिटरी हेलो जी, 4 बजे ठीक उसको ही बुला लेना। है, परसेंट
लॉगिन से तो हम इंटरफेस यूज करते हैं ना। क्या कह रहे हो तुम? रिपोजिटरी पर लॉजिक लिखते हैं तो उसके लिए जनरेटिव कौन सा? एक वो तो सेकेंड, इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा था। स्टूडेंट एप्लीकेशन में गया। सीक्वेंस डज नॉट क्रिएट। रिजल्ट सेट सीक्वेंस डज नॉट क्रिएट। सिंटैक्स नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम डुअल। अच्छा ठीक क्या चीज? एक चीज बोल रहा हूँ, लगता है क्रिएट मैंने कुछ एक चीज कुछ छूट रही हो। क्रिएट अपडेट। हाँ हाँ सीक्वेंस जनरेट नहीं हो रहा। कंपोनेंट यूज किया है एट डेट कंपोनेंट वहां पे रिप्रेजेंटेटिव वर्क करेंगे है उससे नहीं, किसी का वो नहीं। तो ऑब्जेक्ट तो उसका बन रहा ना, नहीं उससे क्या होगा? अच्छा से कुछ ना होगा। और सॉरी रिपोजिटरी यहाँ पे नहीं लगाया जाता, वो यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे इस वाले के ऊपर। सीक्वेंस नहीं जनरेट हो रहा, बस डायलेक्ट का ही मेरे को लग रहा। मेरे को भी इसमें लग रहा कि डायलेक्ट ही लगाना पड़ेगा। करेक्शन सही सीक्वेंस जनरेट करा रखेंगे।
डॉट ए वाई डॉट टी स्टूडेंट इज नॉट एन एंटिटी, इज नॉट एन एंटिटी रिपोजिटरी। अरे ये एट द रेट इसको करवा देते हैं एंटिटी क्लास। नो क्वालिफाइंग बीन टाइप ड्यू गेट स्टूडेंट एडमिट। सिस्टम जनरेट ही कर रहा हूँ इसको। अभी का क्या करोगे? कन्वर्ज बता नहीं रहते क्रिएट करना है कि क्या, कुछ ज्यादा ही उसको एडवांस समझ लिए है। हम खैर एक क्रिएट अपडेट वाला कोर्स भी कर रहे हैं। तो कोड पूरा कैसे? एंटिटी टेबल नेम कंपोनेंट, ठीक है कंपोनेंट इसलिए लगा है, वैसे ये चीज अगर मैं उसमें से करता ना डायरेक्ट स्टोर करके फिर निकाल देती इतनी झंझट नहीं पड़ता, बट हमने क्या किया पूरा काम यहीं से कर दिया, टेबल भी यहीं से क्रिएट कर दिए, ऑटोमेटिक इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना, ठीक है इसलिए हमने क्या कर दिया इसको कंपोनेंट कर दिया, स्प्रिंग बीन हो गया ये, इसका ऑब्जेक्ट भी बना और ये सारी चीज क्रिएट भी हुई। रिपोजिटरी में सेव मेथड वगैरह, एप्लीकेशन में क्या किए रन मेथड के थ्रू हमने क्या किया कंटेनर क्रिएट किया, कंटेनर क्रिएट किया, उस कंटेनर से सबसे पहले रिपोजिटरी इसका ऑब्जेक्ट बनाया, किसका इस स्टूडेंट रिपोजिटरी इंटरफेस का, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ड्यूकेट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ये दो वैल्यू सेट की, सेव किए रिकॉर्ड सेव। यहां पे तुमको दिखाते हो प्रॉक्सी प्रॉक्सी टेबल बताते ना, चलो ठीक है पहले इतना करके तुलाओ, फिर कल इसमें क्रेड रिपोजिट जो पूरे क्रेड इंसर्ट डिलीट पूरे वाला ऑपरेशन करना है इसमें, ठीक है स्ट्रिंग डेटा के थ्रू, है ना सिंपल। अरे कठिन लग रहा है ये, वो एरर सिर्फ एक चीज मिस हो गई थी तो एरर तो आएगी। अब जैसे मशीन पे तुम काम करोगे इकट्ठा तो अगर एक चीज मिस हो जाएगी तो अचानक से सिंपल मशीन तो रहेगी लेकिन एरर तो आएगा उसके कारण दिक्कत। ठीक है तो कर लो इसको।